मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर फर्स्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और चैप्टर का नाम क्या है, आर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि सर्जरी ट्रायंफ बोलते हम विक्ट्री को, आ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। सो ये लेसन है, डिपेंड तीन करेक्टर इसमें मेन है, एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, सेकंड मिसेस पम्फ्रे, इसके नाम से पता लगता है कि एक रिच लेडी है और इसने अपने डॉग को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया हुआ है, अपने सिर पे चढ़ा रखा है। सो वो डॉग बहुत ज्यादा उस डॉग को लेकर वरीड रहती है, उसकी हेल्थ को लेकर, और इस वरीडनेस के ड्यू टू दिस रीजन डॉग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है और वो खाने की चीजों, ईटेबल थिंग्स को देखकर रह नहीं सकता, ही कांट हेल्प। सो और एक जो हमारा जो मेन राइटर जो करेक्टर है जेम्स हेरियट, उन्होंने लिखा इस लेसन को, ही इज अ वेटरनरी सर्जन एज वेल एज राइटर। सो आवर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी इज रिटन बाय जेम्स हेरियट। तो तीन मेन करेक्टर हैं, एक डॉग जिसका नाम मैंने बताया ट्रिकी, सेकेंड मिसेस पम्फ्रे, और थर्ड हमारे राइटर और डॉक्टर भी हैं साथ साथ, जेम्स हेरियट। सो लेट गेट स्टार्टेड टू डिटेल द समरी ऑफ द लेसन, आओ शुरू करते हैं। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टोरी स्टार्ट होती है कहां से, जो मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी है, मैंने स्लाइड भी लगाई है आपकी हेल्प के लिए, आप रोक कर बड़े आराम से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, एंड दे विल बी हेल्पफुल टू मेक योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन जब भी राइट डाउन करेंगे तो उसमें आपकी काफी हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हेरियट वॉज रियली वरीड टू सी द डॉग ट्रिकी, ट्रिकी डॉग का नाम है और डॉक्टर हेरियट उसको देखकर बहुत ज्यादा वरीड है। इसके बाद क्या होता है, बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, हिज आईज वर रेड एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल हैं और खून से भरी हुई है। मिसेज पम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी हैड बीन गिविंग हिम माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट। एक तो डॉगी बहुत ज्यादा लेजी है, उसकी आईज आपको बताया उसने कि रेड है, र्यूमी है, उसके बावजूद वो उसको और ज्यादा खाना देती है क्योंकि वो उसकी हेल्थ के बारे में वर्ड है, बट डॉग ग्रीडी है, सो वो इतना ज्यादा लेजी हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से। उसके बाद डॉक्टर हेरियट फाउंड दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, फूड को देखकर बहुत ज्यादा उसके मन में ग्रीड है, मैंने आपको पहले बताया। द डॉक्टर एडवाइज मिसेज पम्फ्रे टू कट डाउन हिज फूड राइटली एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली, और डॉक्टर हेरियट पम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं एक तो डॉग को वॉक पे लेके जाओ, उससे एक्सरसाइज कराओ, और उसके बाद इसको बैलेंस डाइट दो, ओवर ईटिंग मत कराओ। सो यही एडवाइस करते हैं डॉक्टर। विद इन अ फ्यू डेज द डॉक्टर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, डॉक्टर को एक कॉल मिलती है मिसेज पम्फ्रे से कि ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड वॉज वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा और वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, उल्टियां कर रहा है। ही ले डाउन पैंटिंग एंड डिडंट गो फॉर अ वॉक, उसकी सिचुएशन ओवर ब्रीदिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा हाफ रहा है वो, और वो वॉक के लिए भी नहीं जाता। अब सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। सो डॉक्टर देखता है कि जो ट्रिकी है वो मोशनलेस है और उसके बाद लेजी है, ओवर ईटिंग करता है, ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज्यादा वॉमिट भी कर रहा है। इस वॉमिटिंग की वजह से मिसेस पम्फ्रे बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं, सो वो डॉक्टर को कॉल करती हैं कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा और वो पैंटिंग एंड वॉमिटिंग कर रहा है। सो नेक्स्ट मूव फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर हेरियट सजेस्टेड मिसेज पम्फ्रे दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। सो डॉक्टर हेरियट उसे सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड बट एट लास्ट ट्रिकी वॉज टेकन टू द
हॉस्पिटल। अब ये वरिड लेडी है और ये लगभग बेहोश होते होते बचती है, बट डॉक्टर की मजबूरी है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना। फॉर 2 डेज डॉक्टर हेरियट कैप्टन आई ऑन ट्रिकी। अब डॉक्टर हेरियट ट्रिकी पर एक नजर रखते हैं, आई रखते हैं, एंड गेव हिम नो फूड एंड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब डॉक्टर उसे क्या देते हैं, कोई फूड नहीं देते और बहुत ज्यादा पानी पिलाते हैं। नेक्स्ट डे द डॉक्टर वाज प्लीज्ड टू सी ट्रिकी जॉसलिंग हिज वे टू हिज फूड बाउल। अब डॉक्टर बड़ा खुश होता है, नेक्स्ट डे ट्रिकी अपने फूड जो बाउल है उसके साथ खेल रहा होता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि ट्रिकी एक्टिवनेस दिखा रहा है। सो ट्रिकी स्टार्टेड रनिंग अबाउट द डॉग ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली बार्किंग्स। और ट्रिकी जो और ज्यादा जो डॉग होते हैं वहां पर उनकी कंपनी ज्वाइन करता है। देन डॉक्टर हेरियट इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर। अब डॉक्टर पम्फ्रे को इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। मिसेस पम्फ्रे वाज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज एंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग्स टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ। अब मिसेस पम्फ्रे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है न्यूज को सुनकर और वो ट्रिकी के लिए कुछ एग्स, कुछ अंडे और कुछ वाइन उसकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए भेजती है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इवन वाइन एंड ब्रांडी वर गिवन टू इम्प्रूव ट्रिकी स्ट्रेंथ। वाइन भी दी जाती है, एग्स भी दिए जाते हैं, बट दीज वर टेकन बाय डॉक्टर हेरियट एंड हिज स्टाफ। अब ये चीजें कौन लेता है, कौन खाता है, डॉक्टर हेरियट और उसका स्टाफ। विद इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल्स एनिमल। 2 हफ्ते के अंदर ट्रिकी एक बहुत स्ट्रेंथ हार्ड मसल्स एनिमल डॉग बन जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वाज कॉल्ड बाय द डॉक्टर, जब उसकी मिस्ट्रेस को डॉक्टर के द्वारा बुलाया जाता है, द डॉग लीप एंड रीच टू हर लैप। और डॉग लीप करता है और अपनी मालकिन अपनी मिसेस की गोद में चला जाता है। मिसेस पम्फ्रे थैंक्ड डॉक्टर हैरियट और मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। हर आईज वर वेट एंड लिप्स ट्रेम्बल। उसकी आईज वेट हैं और उसके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं। शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और मिस्ट्रेस जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, वो इसको विक्ट्री ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहती है। एंड शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो डॉग की हेल्थ को लेके। और कैसे जो डॉक्टर हेरियट है बहुत ही वाइज तरीके से ट्रिकी का इलाज करते हैं, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे को ये फील होता है, ये महसूस होता है कि डॉक्टर ने किसी प्रकार की सर्जरी की है, बट रियलिटी क्या है कि डॉक्टर ने किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं की, बहुत वाइजली वो उसे पानी पिलाकर उसे हार्ड एक्सरसाइज करा के और डॉग के साथ उसे रनिंग करा के ट्रिकी को बहुत बिल्कुल ठीक कर देते हैं, हार्ड मसल और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे मेरे अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जो आपको करने होंगे। एक तो मिसेज पम्फ्रे का करेक्टर, सो डिस्कस कर लेते हैं। मिसेज पम्फ्रे किस टाइप की लेडीज है, बहुत ज्यादा वरिड है, रिच तो वो है ही और ट्रिकी का बहुत ध्यान रखती है। इस ओवर वर्डनेस के कारण ट्रिकी ग्रीडी हो जाता है, फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, मोशनलेस लेटा रहता है और लास्ट में ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर हेरियट का, उसमें आपको क्या लिखना होगा, डॉक्टर हेरियट बहुत ज्यादा वाइज हैं, बहुत समझदार हैं और वो बहुत ज्यादा वरिड भी हैं ट्रिकी की हेल्थ को लेकर, बट वो स्टिक भी हैं, वो ओवर ईटिंग उसकी कट डाउन करना चाहते हैं। 2-3 बार मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं बट वो नहीं मानती। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर हेरियट को स्टिकली डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और लास्ट में डॉग बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ट्रिकी का करेक्टर क्या है, ट्रिकी ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज्यादा ग्रीडी है और मिसेस पम्फ्रे ने उसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया हुआ है, इस रीजन से वो बीमार पड़ जाता है। ये तीनों करेक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मिलते जुलते हैं, सो इसको लिखने में बहुत ईजी रहेगा। एंड आई होप सो इन स्लाइड्स की इस वीडियो की हेल्प से आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर और डिटेल समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो स्टूडेंट आप मेहनत करें
एंड होप फॉर द बेस्ट. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.